नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संत रविदास जयंती के मौके पर दिल्ली के करोल बाग स्थित संत रविदास विश्राम धाम में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने इस दौरान मंदिर में चल रहे कीर्तन में महिलाओं के साथ कीर्तन भी किया और मंजीरा भी बजाया। बुधवार को देश भर में संत रविदास की 645वीं जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री ने रविदास जयंती के अवसर पर अपने पुराने कुछ संस्मरण भी साझा करते हुए ट्वीट किया था। महान संत गुरु रविदास जी की जयंती है आज, और उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन समाज से जात पात और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया, वो आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट जो उन्होंने किया। तो करोल बाग स्थित रविदास मंदिर यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और मंजीरा बजाते हुए भी नजर आए, महिलाओं के साथ भजन कीर्तन में शामिल हुए। प्रभु जी तुम दीपक। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कानपुर दौरा, आज बाबूपुरवा छावनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। 1:50 में मलिहाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। 3:30 में काशी स्वार इंटर कॉलेज में जनसभा होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कानपुर से। रक्षा मंत्री का कानपुर दौरा है, 3:30 में काशी स्वार इंटर कॉलेज में जनसभा होगी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कानपुर दौरा आज, 1:50 में मलिहाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे और 3:30 में काशी स्वार इंटर कॉलेज में कार्यक्रम है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे कानपुर से संवाददाता अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं कानपुर के दौरे पर, क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि तैयारियां पूरी कर ली गई थी और आज 12:10 पर बाबूपुरवा के सेंट्रल पार्क में राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। छावनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने रघुनंदन सिंह भदौरिया को प्रत्याशी बनाया है और इन्हीं के समर्थन में आज राजनाथ सिंह बाबूपुरवा पहुंच रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि ये जो कैंट विधानसभा है, ये मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है और यहाँ पर लगभग 60-70% मुस्लिम वोटर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने रघुनंदन सिंह भदौरिया को प्रत्याशी बनाया, तो अब उन्हीं के चुनाव कैंपेनिंग के लिए, जनसभा को संबोधित करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जिस तरह से रक्षा मंत्री आने वाले हैं, इस दौरान यातायात भी रूट डाइवर्ट रहेगा, कई जगह रूट डाइवर्जन करा जाएगा और यहाँ से जनसभा को संबोधित करने के बाद मलिहाबाद के लिए राजनाथ सिंह निकल जाएंगे। जी बिल्कुल अभिनव, एक तरह से देखा जाए तो जमावड़ा आज दिग्गजों का रहने वाला है। एक तरफ रक्षा मंत्री प्रियंका गांधी और दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष भी कानपुर देहात के दौरे पर लगातार नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से इसे मानकर चले, जनता का किस तरह का रिस्पॉन्स है और तैयारियां किस तरह से है, क्योंकि तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं तो प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है ये। जी बिल्कुल, बड़ी चुनौती है। अभी कल अमित शाह का यहाँ पर रोड शो था और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही प्रियंका गांधी भी कानपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगी 5 विधानसभा क्षेत्रों में। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कानपुर के बिठूर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहा है और बसपा की अगर बात करें तो सतीश चंद्र मिश्रा भी आज कानपुर में है और जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में कई दिग्गज शहर में है, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, अतिरिक्त सुरक्षा बल भी कानपुर में मंगाया गया है। इसी के साथ कानपुर देहात में भी जी कहीं ना कहीं दिग्गज पहुंचे हुए हैं और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, सुरक्षा में कोई चूक ना होने देनी। चलिए बिल्कुल, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आपका। तो एक तरह से देखा जाए तो तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लखनऊ कानपुर के दौरे पर लगातार राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं और आज वो लखनऊ और कानपुर के दौरे पर हैं। कानपुर पहुंचेंगे जहां पर बाबूपुरवा छावनी में जनसभा है, लखनऊ के मलिहाबाद और काशी स्वर्ण इंटर कॉलेज में कार्यक्रम है। तो राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचेंगे, तैयारियां पूरी कर ली गई है। चले बात वाराणसी की, तो जहां पर सिरगोवर्धनपुर स्थित संत रविदास महाराज की जन्मस्थली में आज सुबह से सियासी दिग्गजों का पहुंचना जारी है। आज सुबह संत शिरोमणि के दर पर सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे थे और इस दौरान संत रविदास महाराज के मंदिर में मत्था टेका है। इसके बाद संत निरंजन दास का आशीर्वाद लेकर उन्होंने सदगुरु महाराज के अनुयायियों से
अमृतवाड़ी भी सुनी। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी भी संत रविदास मंदिर पहुंचे और सीएम योगी ने संत रविदास मंदिर में मत्था टेका। दोपहर को राहुल और प्रियंका गांधी भी पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत कई अन्य राजनीतिक हस्तियां भी आज सिर गोवर्धनपुर पहुंचेंगी। संत रविदास महाराज के प्रकाशोत्सव पर्व की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई। इसके बाद गुरु चरणों की रज लेने के लिए देश भर से आए रैदासी समाज के लोग संत निरंजन दास दिन भर सत्संग सुनेंगे और लंगर भी यहां पर होंगे। आज सुबह से शाम तक शहर के अलग अलग हिस्सों से सदगुरु महाराज के जीवन पर आधारित झांकियां निकलेंगी। सिर गोवर्धनपुर यहां पर यह झांकियां पहुंचेंगी। तो तमाम दिग्गज आज पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली के करोल बाग में संत रविदास की जयंती मनाते हुए नजर आए थे। तो वाराणसी में आज तमाम दिग्गजों का जमावड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, चुनावी माहौल भी है और इसी बीच संत रविदास की जयंती भी है, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है और भी कौन कौन पहुंचने वाले हैं यहाँ पर? सड़के में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी पहुंचे हैं और उसके बाद 9:45 के सीएम योगी पहुंचे हैं और अभी रविदास मंदिर में दर्शन करने के बाद वो लंगर में पहुंचे हैं। वहां के संतों से मिल रहे हैं और अनुयायियों से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय 2022 मिशन 2022 की लगातार बात हो रही थी, सारी पार्टियां अब पूर्वांचल में पूर्ण रूप से ताकत झोंकने में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसी क्रम में जैसे मुख्यमंत्री पहुंचे, पंजाब के चन्नी पहुंचे, अब उसके बाद थोड़ी देर में राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचेंगे, उसके बाद प्रियंका वाड्रा पहुंच रही है, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सियासी समीकरण है उसको साधने में लगातार सारी पार्टियां लगी हुई हैं और इसी क्रम में रविदास मंदिर से सुबह से दोपहर तक का जो कार्यक्रम है लगातार वीवीआईपी मूवमेंट का लगा हुआ है। बिल्कुल, और वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। प्रशासन की क्या कुछ तैयारी वहाँ पर नजर आ रही है? दूसरी तरफ श्रद्धालु भी पहुंच रहे होंगे धर्मेंद्र वहाँ पर? देखिए, आपसे लाखों श्रद्धालुओं में दिखाना चाहूंगा फ्रेम के माध्यम से। और ये रविदास जी का मंदिर है, सामने ये मंदिर के सामने है जी, और यहाँ लाइन आए हुए हैं, लाइन लगाए हुए हैं। फ्रेम के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर रहे हैं और सुबह से ही देर रात से ही लंबी कतार लग गई है। और उसके बाद चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट बीच बीच में है, प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। चूंकि मुख्यमंत्री अभी आए हैं और लंगर में वर्तमान में मुख्यमंत्री रुके हुए हैं, अनुयायियों से मिल रहे हैं और थोड़ी देर में प्रसाद ग्रहण करने के बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उसके बाद संजय सिंह पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगे, राहुल गांधी पहुंचेंगे। तो लगातार जो वीवीआईपी मूवमेंट है और यहाँ के स्थानीय नेता जो है वो कहीं ना कहीं मिशन 2022 को रविदास मंदिर से काफी महत्व और कहीं ना कहीं वोटों की जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और अगर समारोह की बात करें तो समारोह में क्या कुछ आयोजन है वाराणसी में रविदास जयंती को लेकर धर्मेंद्र? देखिए, यहाँ पे आज झांकियां निकलती हैं, तमाम तरीकों का आयोजन किया जाता है, लंगर पूरी दिन और रात चलते हैं और ये मेले एक तरह से मेले का आयोजन होता है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, पूरी ब्रैकेटिंग जगह जगह कर दी गई है और देर शाम तक झांकियां निकलेंगी और लाखों श्रद्धालु जो दर्शन का सिलसिला है वो जारी रहेगा। क्योंकि काफी करीब 5 से 7 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे श्रद्धालुओं के दर्शन करना, उसके बाद लंगर में जाना, प्रसाद ग्रहण करना, उसके बाद जो परंपरा है रविदास जी की झांकियों की वो चलेगी। वाकई, और कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो चुनावी माहौल के बीच ये संत रविदास जयंती और इसी बीच वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी और बातचीत के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, संत रविदास की जयंती यहाँ पर। आपको बता दें कि आज के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने की पूर्णिमा तिथि पर संत रविदास की जयंती मनाई जाती है और इस साल गुरु रविदास जयंती जो 16 फरवरी 2022 को मनाई जा रही है, यानी कि आज, और संत गुरु रविदास की 645वीं जो जयंती है वो इसे माना जा रहा है। आपको बता दें कि रविदास, रोहिदास और रूहिदास के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। गुरु रविदास भक्ति आंदोलन के एक प्रसिद्ध संत थे। चलिए, अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, सीएम योगी भी यहाँ पर पहुंचे हुए, क्या कुछ कहने सुनिए। उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा,
आज भी प्रत्येक भारतीय को एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्रदान करता है। मैं आज की इस अवसर पर एक बार फिर से काशी में सीर गोवर्धन में पर्यटन विकास की जो अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं, इसमें लंगर हॉल का निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। सदगुरु की एक कांस्य प्रतिमा की स्थापना भी हो चुकी है। पार्क निर्माण की कार्रवाई प्रगति में है। इससे संबंधित कुछ जमीन और भूमि क्रय करने की कार्रवाई चल रही है। यथाशीघ्र से भी हम पूरा करके सदगुरु की कृपा से यह कार्य भी हमारा एक समय सीमा के अंदर पूरा हो जाएगा। आज मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को और यहाँ काशी में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को सदगुरु के इस पावन जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ। संत रविदास जयंती के मौके पर यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। खबर पूरी की करहल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर मंगलवार शाम को हमला हुआ, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी बाल बाल बच गए। काफिले पर हमले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप है। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही पथराव करने वाले हिस्से वहां पर जो लोग वहां पर मौजूद थे वो लोग भाग गए और पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मंगलवार शाम क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए निकले थे। पार्टी नेताओं के साथ करहल थाना क्षेत्र के गांव अतिकुल्लापुर में वो जा रहे थे। गांव के बाहर पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया। तो कबरई और अतिकुल्लापुर के बीच में लगभग 7:30 से 45 हुए होंगे। अंधेरे में खेतों में से लोग निकल के आए, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और उसमें से एक आदमी ने ये कहा कि मैं उमाकांत यादव नगला बदा हूँ, साले तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ते हो जिन्होंने तुम्हें सांसद बनाया। और उसने और फिर 30-30 लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, मुझे चोट आई है। और उसमें से एक ने उसी ने ये कहा कि बीटू जान से मार दे, आज मंत्री बच के ना जा पाए, साला मंत्री बच के जा। इसका चुनाव आज ही कराई दे रहा हूँ, जो एग्जैक्ट शब्द कहते उतने में बोल रहा हूँ। उसके बाद पीछे संजय शर्मा हमारे एक साथी हैं जो खंडाली में रहते हैं, उनकी उनपे जान से मारने की नियत से फायर किया, वो बच गया। उनकी गाड़ी के हेडलाइट वगैरह भी तोड़ दी, कई गाड़ियां डेंट हुई हैं। तो अब सबका वर्णन करना उचित नहीं है। कानून व्यवस्था बनी हुई है, माननीय मंत्री जी द्वारा जो तहरीर थाने पर दी गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मुकदमे में विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये लगभग 20 से 25 लोगों के विरुद्ध उन्होंने जो है ज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हुए हमले को लेकर बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने इस हमले के पीछे सपा की बखलाहट बताई है और चुनाव आयोग से सभी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। शाम को जब लखनऊ पहुंचता हूं तो मुझे सूचना मिलती है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं प्रत्याशी के साथ साथ, उनके ऊपर सपा के सैकड़ों गुंडों ने हमला कर दिया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। श्री अखिलेश यादव जी बताइए क्या यही नई सपा है कि जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो और चुनाव में हार रहे हो और चुनाव में हारने की स्थिति के बाद ऐसी परिस्थितियां खड़ी करोगे कि जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा उस पर हमला करवाओगे? क्या भैया ध्यान रखिएगा, ये समाजवादी पार्टी की सरकार का युग समाप्त हो गया है। अब गुंडई के बल पर बूथों पर कब्जा करके कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मैं चुनाव आयोग से ऐसे अपराधियों के खिलाफ अविलंब सख्त से सख्त कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग करता हूं और मैनपुरी जनपद के सभी बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का मंगलवार रात 11 बजे 69 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित क्रिटी केयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। म्यूजिक इंडस्ट्री में बप्पी लहरी को डिस्को किंग कहा जाता था। उनका असली नाम अलोकेश लाहरी था।
चलिए अब कुछ खबरें उत्तराखंड की देख लेते हैं। तो प्रदेश बीजेपी लक्सर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी विधायक संजय गुप्ता का जवाब तलब करेगी। संजय ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर चुनाव हराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उनके बयान से कौशिक ही नहीं पूरी पार्टी स्तब्ध है। पार्टी ने उनकी बयानबाजी का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि बयान की सत्यता की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि संजय हरिद्वार जिले की लक्सर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इस सीट पर संजय गुप्ता बसपा के पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद और कांग्रेस के अंतरिक्ष सैनी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मतदान के बाद आए रुझानों से बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता सहज नहीं है, उन्हें पराजय का अंदेशा है। मतदान के बाद सोमवार की शाम को ही उनका एक वीडियो बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसने बीजेपी के हलकों में खलबली मचा दी है। संजय ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर सीधा हमला बोला और उन पर उन्हें चुनाव हराने की साजिश रचने का बेहद गंभीर आरोप जड़ दिया। उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नजदीकी कार्यकर्ता थे उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। नहीं, अभी वीडियो की कोई सत्यता नहीं है, बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पहुंचा हूँ, इस बारे में जानकारी करें। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, एक तरह से देखा जाए तो अभी तो मात्र वोटिंग ही हुई है, वोटिंग की प्रक्रिया हुई है, रिजल्ट भी नहीं आए हैं, लेकिन अब बीजेपी में खींचतान की स्थिति नजर आने लगी है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। महज दो दिन पहले उत्तराखंड में चुनावी मतदान हुआ है और मतदान होने के साथ ही पहला जो वीडियो वायरल हुआ है वो लक्सर से भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता का हुआ है। सिटिंग विधायक है और खुलकर इन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर यहां पर आरोप लगाए हैं कि उनकी तरफ से यहां पर भीतरघात किया गया लक्सर विधानसभा सीट पर और उनको हराने की कोशिश की गई है। तो साफ है कि भाजपा के भीतर चुनावी मतदान समाप्त होते ही घमासान शुरू हुआ है और ये वीडियो वायरल हुआ है संजय गुप्ता का। लेकिन 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा प्रत्याशियों ने सीधे तौर पर भीतरघात आरोप लगाया है। इसमें चंपावत सीट से कैलाश गहतोड़ी हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं और काशीपुर सीट से हरभजन सिंह चीमा के जो पुत्र हैं भाजपा प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से भी भीतरघात की बात यहां पर की गई है। तो कम से कम 3 से 4 सीटें ऐसी हो चुकी हैं जहां पर भाजपा प्रत्याशियों ने खुलकर अपने ही पार्टी नेताओं पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। अब इसको पार्टी आलाकमान कितना गंभीरता से लेता है इसका फैसला पार्टी आलाकमान को करना होगा। फिलहाल इतना जरूर है, हरिद्वार मामले को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व भी सक्रिय हो गया है, पूरे प्रकरण की यहां पर जांच कराने की बात निकल कर सामने आ रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अभी तक मीडिया के सामने आकर ना तो अपना बचाव किया है ना ही सफाई दी है, तो इसके बाद आगे का क्या निर्णय होगा ये पार्टी आलीकमान ही तय करेगा। जी चलिए, और मदन कौशिक एक ऐसा नाम है जो पहले भी कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं, तो देखना होगा इस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन अभी परिणाम तो आए नहीं है। 11 मुख्यमंत्री प्रदेश पहले ही देख चुका है, अब पार्टी में इस तरह की स्थिति है। दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस और बीजेपी, सरकार बनाने का दावा कर रही है। खैर, ये तो 10 तारीख को ही साफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आईएनएस जनता टीवी। नमस्कार।